वीकेंड के वार पर ईशा का यहाँ पर करणवीर मेहरा और चाहत पांडे को टारगेट करना और चाहत पांडे पर ताने मारना जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ चुका है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ चुका है, क्योंकि ईशा की पोल जो है यहाँ पर करणवीर मेहरा ने खोल दी है। ईशा को दी है सबसे बड़ी सजा करणवीर मेहरा ने। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में यही बात पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीकेंड के बार के एपिसोड में सलमान खान आज के एपिसोड में पूछते हुए नजर आएंगे चाहत पांडे से कि आपके सपनों का राजकुमार क्या इस घर के अंदर मौजूद है, ये सवाल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपने अपनी शादी के बारे में कुछ कहा था हमें। इस पर चाहत पांडे कहेंगी कि मुझे करणवीर मेहरा जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और करणवीर मेहरा और चाहत पांडे को लेकर टीस करते हैं सलमान खान, और यही बात जो है बुरी लग जाती है किसी और को नहीं बल्कि ईशा को, क्योंकि ईशा जो है अविनाश मिश्रा के साथ चक्कर चलाने की कोशिश कर रही है। अविनाश मिश्रा को अपने प्यार के झांसे में फंसा कर गेम में वो आगे बढ़ना चाहती है, और सलमान खान ने जब चाहत और करणवीर की जब तारीफ कर दी तो उसको उसके अंदर की जो जलन है वो सामने आ गई, और जलन के रूप में यहाँ पर ईशा ने चाहत पर ताना मारा और कहा चाहत को कि तुम जो चाहती थी वो तो तुम्हें मिल गया ना, ये बात जो है वो कहते हुए नजर आएगी। अब इतने में करणवीर मेहरा जो है वो भी वहीं पर रहेंगे, और चाहत को ये बात जो है वो बुरा लग जाएगा। अब भाई, किसी के दिल के अंदर किसी के लिए रिस्पेक्ट है, किसी मतलब कोई आदमी जो है उसे पसंद आता है, तो उसमें उसकी क्या गलती है। लेकिन ईशा हर एक एंगल जो है गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है, और ये बात जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है किसी और को नहीं बल्कि चाहत को। और चाहत कुछ बोल नहीं पाती ईशा को, ईशा के गंदे खेल के बारे में, क्योंकि वो जानती नहीं, लेकिन करणवीर जानते हैं। करणवीर ये बोलते हैं कि तुम तो डोरे डाल रही हो किसी और पर नहीं बल्कि यहाँ पर पूरी तरह से अविनाश पर, और अविनाश के सहारे तुम आगे बढ़ना चाहती हो गेम में, ये बात जो है वो बोलते हुए नज़र आएंगे सभी के सामने। सारे घर वाले जो हैं पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे जब करणवीर के मुंह से ये सारी बातें जब निकलेंगी। करणवीर मेहरा ने चाहत का साथ यहाँ पर पूरी तरह से दिया है दोस्तों, और चाहत को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तो चाहत पांडे और करणवीर की जो जोड़ी है वो आपको कैसी लगती है, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।